प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम देख रहे हैं कक्षा आठवीं का गणित और इसका अध्याय है, चैप्टर है 6 है वर्ग एवं वर्गमूल। और इसकी प्रश्नावली 6.3 के सवाल हम पूरे कर चुके थे, बता दिया था पहले ही। आखिरी वाला जो वीडियो था वो 7, 8, 9, 10 सवाल नंबर का था। तो अब हम करेंगे प्रश्नावली 6.4 और उसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। और संख्याएं कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है संख्याएं। कौन कौन सी एक नजर देख लें। पहली है 2304, दूसरी है 4489, तीसरी 3481, चौथी 529, फिर है 3249, फिर है 1369, 5776, 7921, 576, 1024, 3136 और 900। ये 12 संख्याएं दे रखी है और जिनके वर्गमूल अपनों क्या करना है, भाग विधि से ज्ञात करना है। तो सभी सवाल के बजाय हम कठिन जो है या ज्यादा जो बड़ी संख्याएं हैं उनके वर्गमूल देख लेते हैं। तो इसमें देखें हम, ये 5 है, 4 है और ये 7 है। तो ये सवाल नंबर 8वां जो है, 8वां 7921, ये बड़ा है तो इसको हम हल करते हैं। तो इसको भाग विधि से करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको करा अपनों इस प्रकार से 7921, और इसमें जब भाग देते हैं तो क्या करते हैं, पीछे की तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हैं और ऊपर लगाते हैं से बार, इसे चिन्ह लगा देते हैं कि पहले हम इसमें भाग देंगे, फिर उसके बाद में जो बचेगा उसको इसके साथ लेके भाग देंगे, तो दो दो के जोड़े में। तो यहां देखें हम 79। अब 79 ये देखेंगे कि भाग देने में हम ये देखते हैं कि संख्या का संख्या में ही गुणा करना है। ऐसा नहीं कि कोई संख्या है उसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं, 4 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है तो दे दे, नहीं। जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसका उसी में गुणा करेंगे, तो ये संख्या में उसको घटाना है। तो कैसे देखें हम, यहां पर ये देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और ये 10। अब यहां पर देख लें इनके वर्ग करें क्या होता है। 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का हो गया 25, इसी प्रकार 6 का 36, 7 का 749, 8 का 864, 9 का 981 और 10 का क्या हो जाएगा, 10250। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो ये जोड़ा है, ये जोड़ा किसके बीच में है, ये वर्ग है किसके बीच में है या किसके बराबर है। तो 79 देखो किसके बीच में है, 64 और 81 के बीच में है। इसका मतलब 64 जो है, जो 8 का वर्ग है, मतलब 8 का 8 में गुणा करेंगे तो वो जो 64 आया वो 79 से कम है, पर 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये लेंगे 8, तो लिया हमने 8, 8, 8, 64 भाग देने में उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें, 8, 8, 64। तो ये 64 जो है वो हम इसमें से घटाएंगे, तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5, फिर 7 में से 6 गए तो 1, यहां तक हो गया इतना। अब यहां पर जो ये 8 है, 8 बार अपनों ने 8 का 8 में गुणा करा, तो यहां 8 को 8 के साथ जोड़ देते हैं, जितनी बार गुणा करा वो यहां जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8 और 8 क्या हो जाएगा, ये 16 हो गया। अब यहां पर हमको ऐसी संख्या लिखना है, जैसे मान लो 1 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, 1, 6, 1, 161 हो जाएगा। तो 161 में किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे क्योंकि हमने यहां 1 लिखा। यदि 2 लिखेंगे तो 162 हो जाएगा, तो 162 में फिर 2 का गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो हमको जो संख्या आएगी वो यहां से कम मिलना चाहिए। अब यहां पर देख लो ये 16 जो है, यदि हम यहां 0 सबसे कम भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 160, पर 0 नहीं रखना है। तो ये देखो यहां पर रखेंगे 1 रखा तो क्या होगा, 1 रखा तो 161, या 0 रखा तो 160 का 0 में गुणा करा तो 0 हो जाएगा, है ना। ये 16 जो है ये 15 से क्या है, छोटा है। तो अब क्या करेंगे, छोटा है तो ये हमने 2 और 1 ये जोड़ा पूरा होता रहेंगे। जैसे हमने यहां 1 अगर करा तो 161 हो गया, अब 161 का 101 में गुणा करा तो 161 आया। अब ये 161 15 से क्या है, बहुत बड़ा है,
तो अगला जोड़ा हमने उतार लिया, 21 हो गया। अब यहाँ पर हमको ऐसी संख्या रखना है जिसका गुणा उसी संख्या में इसे करने पर इसका मान इसके बराबर या कम हो। अब यहाँ पर देखें हम, ये क्या है, एक। ये वर्ग संख्या में इकाई का अंक किसके किस में आता है, देखो ये हो गया 81 में इकाई का अंक एक आया और किस में आया, 9 में आया है, एक का अंक है ना। तो यदि हम यहाँ 9 संख्या रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 का, अब ये 169 बन गया है तो इसका 9 में गुणा करेंगे, 169 का किसमें गुणा करेंगे, 9 में। तो यहां मैंने लिखा 9, हमको नहीं मालूम कि ये इसके बराबर है, नहीं होगा तो हम इसको मिटा देंगे, पर ये 9 संख्या ऐसी है जिसका वर्ग जो है वो आएगा 1। एक संख्या भी है जिसका इकाई अंक का 1 है, तो यहां यदि हम 161 रख देंगे तो क्या होगा, 161 रखा तो अब 161 इससे बहुत छोटा है, अगर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 2 रखेंगे अगर 1 की जगह तो क्या हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 162 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 के 2, 7 × 1 = 1, 2 × 1 = 2 = 3, ये आ गया 324। तो ये 1521 से बहुत छोटा है, इसका मतलब इसके आगे 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, हमको आगे की संख्या देखना पड़ेगी ताकि वो ऐसी संख्या हो जो इससे छोटी हो पर वो हाईएस्ट हो, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि इकाई अंक एक ही आ रहा है और इकाई अंक केवल 9 में एक आ रहा है, तो हम 9 को करके देखते हैं। तो यहां लिखा हमने 9 और यहां 9 बार, जितनी बार यहां संख्या लिखेंगे उतना ही यहां गुणा भी होगा, मतलब उतनी बार भाग देना है अपने को। तो 9 का करा तो देखो 9 का 9 में गुणा करे, 81 का 1 हाथ क्या है 8, 9 × 6 = 54, 54 × 8 = 62, 62 के 2 हाथ क्या है 6, फिर 9 × 9 = 9, 9 × 6 क्या हो गया 15। अब ये इसके ठीक बराबर आ गया, ये इसके ठीक बराबर आ गया, हो गया, मतलब 9 बार भाग चले गया। अब इसका वर्गमूल क्या आया, देखो जितने का हमने यहाँ संख्या रखी थी उतनी संख्या हमको यहाँ जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगी, देखो 9 × 9 = 18 हाथ का है 1, 6 × 1 = 7 और ये 1 का 1 = 1, ये क्या आ गया 178, ऊपर क्या आ गया 89, इसका 89 में 2 का गुणा करो, 2 × 9 = 18 हाथ का है 1, 2 × 8 = 16 और 1 = 17। तो ऊपर जो संख्या जितनी बार भाग जाता है उसका डबल संख्या नीचे आना चाहिए, 89 पर भाग गए हैं तो 178 नीचे आना चाहिए इस प्रकार से। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 89। एक बार एक और उदाहरण लेते हैं, एक दो और उदाहरण लेते हैं, तो अपनों को ये वर्गमूल जो है भाग विधि से कैसे करते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो स्टॉप कर रहा हूं। अब देखो हमने ये 7921 ले लिया था और इसका हमने वर्गमूल देखा था कितना आया था, इसका वर्गमूल आया था 89। अब हम और संख्या ले लेते हैं, तो इससे कम संख्या कौन सी है, 5776, तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो ये मैंने करा 5776 लिख दिया और हमको क्या करना है, इसमें दो दो के जोड़े बनाना है, किधर की तरफ से, इस तरफ से, दाहिनी तरफ से, मतलब इकाई अंक दहाई अंक इस प्रकार से ये दो दो के जोड़े बना दिए। अब हम देखेंगे 57 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का है, तो देखो यहां पर है 7749 7 का वर्ग, 8 × 2 = 64 ज्यादा हो गया, 57 से ज्यादा हो गया, पर 7749 हो रहा है, यहां लिखा मैंने 7749, ये घटाया मैंने, 7 में से 9 19 गए तो 7 को 17 माने, 17 माने तो 17 में से 9 गए 8, 1 इधर जोड़ दिया जो लिया था अपनों ने 1, तो ये हो गया 5, 5 में 5 गए कर दे, ठीक है। अब 7 का 7 में अपनों ने गुणा करा था, तो यहाँ 7 को 7 से जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 14। अब हमको यहाँ एक संख्या रखना है, पर ये 14 जो है ये 8 से बड़ा है तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो अगला जोड़ा है ये उतार लेंगे, अगला जोड़ा उतार लिया 76 हो गया। अब हमको यहाँ ऐसी संख्या रखना है जिसके वर्ग में, क्योंकि यहाँ जो संख्या रखेंगे उसी का उसमें गुणा करेंगे, तो उसके वर्ग में क्या आना चाहिए, 6। तो देखो 4 का वर्ग जो होता है वो होता है 16 और 6 का वर्ग होता है 36, तो इनमें इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक दोनों में 6 आ रहा है, तो यहाँ इकाई अंक 6 है, तो एक बार पहले हम 4 रखें फिर 6 रखते हैं, तो यहां हमने 4 रखा, तो ये 4 से हम इसको गुणा करेंगे, तो देखो 14 चौक क्या होता है 56, 14 चौक 56, तो ये क्या है 87 है,
मतलब और संभावनाएं हैं, तो हम चार के बजाय यहां छह रखते हैं। तो यहां मैंने क्या करा, ये छह रखा और यहां पर हम छह से गुणा करेंगे, 14 6 84 84 ये 87, इससे छोटा है तो चार से तो बड़े वाले का गुणा हो जाएगा, तो हम छह रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, देखो 6 6 36 का 6, अब 6 बार जा रहा है तो 6 यहां लिख दिया, 6 6 36 का 6 हाथ क्या है 3, फिर 6 4 24 और 3 27 के साथ हाथ क्या है 2, फिर 6 1 6 2 क्या हो गया 8। तो देखो 874 874 से पूरा कट गया, ये कट गया, ये 76 आया, यहां 6 से गुणा करा तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 6 और 6 12 के 2 हाथ का है 1 1 और 4 5 और ये 76 का डबल 152 होना चाहिए। देखो 2 6 12 का 2 हाथ का है 1 2 7 14 और 1 15 152 पूरा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 76 जो है वो क्या है, 5776 का क्या है, वर्गमूल है। तो ये जो हमने है भाग विधि से ज्ञात करा, तो 5776 का वर्गमूल क्या निकाला हमने, 76, 7981 का रहा 89, है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, यहां पर भी हम उदाहरण ये लेते हैं, बड़ी संख्या का ही कोई लेते हैं, छोटी संख्या का वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। 5776 7921 और इधर है 4489, ये बड़ा अंतर है, बाकी छोटे हैं, तो 4489 का निकालते हैं हम। ये दोनों के जोड़े बना लिए हम लोगों ने, अब ये देखो 44 जो है वो क्या है, 6 6 36 7 7 49 49 ज्यादा हो गया, 6 6 36 इससे कम है, तो ये लिखा मैंने 6 6 36 ये 36 और घटाया तो 14 में से 6 गए तो 8, 4 को 14 बना था, एक इधर जोड़ दिया 4 कट गए तो ये आ गया 8 हो गया। अब ये 6 जो है, क्योंकि 6 बार गुणा कर तो 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, अब ये 12 जो है 8 से क्या है कम है, ठीक है ना। तो अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा उतारा 8 9, अब हम यहां कोई अंग ऐसा रखेंगे कि उसका उसी में, ये अंक रखने पर, अभी जैसे देखा था अंक रखने पर जो संख्या होगी उसका जो अंक रखा उसी से गुणा करेंगे, इसका मतलब संख्या का संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई अंक देखना है अपने को। तो यहां पर इकाई अंक क्या क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, वो किसके इसमें आता है वर्ग में, 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग होता है 49, इनमें इकाई अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो पहले हम 3 से स्टार्ट करें, तो देखो 3 रखते हैं हम यहां पे, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर 3 से गुणा करेंगे तो 12 36 मतलब 360 के आसपास, ये 889 से बहुत कम है, ठीक है, यहां 88 से 12 36 बहुत कम है, हम 7 रखते हैं, तो यहां हमने क्या करा, यहां रख दिया 7 और ये रख दिया 7, तो 12 7 84 वो 88 से कम है, इसका मतलब 3 के बजाय हम 7 का गुणा करते हैं, तो यहां हो गया 7 7 49 के 9, क्योंकि हम 7 की बात कर रहे थे, यहां 7 लिख दिया, 7 7 49 का 9 हाथ क्या है 4, 7 2 14 और 4 14 4 18 का 8 हाथ क्या है 1, 7 1 7 और 1 8, ये हो गया। तो यहां पर ये घट गया तो ये क्या हो गया बराबर आ गया। अब हमने कितने का गुणा करा था 7 का, तो 7 को इसको यहां जोड़ दो, तो 7 और 7 14 पे 4 हाथ क्या है 1 1 और 2 3 और ये 1 का 134 आया, ऊपर 67 आया, इसका दुगुना ये होना चाहिए, तो 7 3 14 4 हाथ का है 2 7 14 4 हाथ का है 2 6 12 और 1 13, तो 67 का डबल कितना हो गया 134 और यहाँ शेषफल भी क्या हो गया 0, ये 67 क्या हो गया इसका वर्गमूल हो गया। तो हमने 3 बड़े अंक देख लिए हैं, अब छोटों के जो है आप प्रैक्टिस करना, और अगर कोई नहीं सवाल समझ में आए तो कमेंट में मुझे बता देना कि कौन सा सवाल समझाना है, आप एक से अधिक भी बता सकते हो तो उनको मैं हल कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।